As you know that I am Ekete Amresh Tiwari. I am editor publisher of Double Helical. As you know that this is a leading health magazine and being published from Ghaziabad region. Now today is a very banned storming topic, and we have a lot of distinguished speakers like Anu Mishra ji. He is one of the best diabetologist, and he is a chairman at 40 CDOC Hospital and Allied Sciences, New Delhi. And we have the moderator, Dr. A.K. Agarwal, the professor of excellence and ex-dean, Maulana Azad Medical College, and medical advisor, clinical innovation, clinical research, Apollo Group Hospital. And we have also Chandrakant Lahiriya ji, is one of the best diabetologists and physician, and also earlier associated with the WH. Now I would request to Dr. Agarwal, they moderate this whole webinar. And there is also open session for the participant who is willing to know anything about the WH. Our expert will respond to him. Okay, sir. Hand over to you. Thank you, Tiwari ji. Thank you. Tiwari ji, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डबल हेलिकल मैगजीन जो आप लीड करते हैं, एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं हम सब के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो कि एक चैलेंज है पूरी कंट्री के लिए. और मैं सोचता हूँ कि ये डायबिटीज टॉपिक जो है वो तो हम अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, हम पूरे दुनिया के लिए डायबिटिक कैपिटल कहलाते हैं. हमारी कंट्री डायबिटिक कहलाती है कैपिटल के तौर पे, और नंबर्स इतने ज़्यादा हैं और बढ़ते जा रहे हैं कि ये कहना कि ये क्यों है, और यही सब आज हम चर्चा करेंगे. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ जितने भी स्पीकर्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर आवर कंट्री. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन विद आवर कुलीग डॉक्टर अनूप मिश्रा, हु इज द चेयरमैन ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट इन Fortis CDOC, and he is very eminently known diabetologist for our country. He has contributed enormously for the research and development of innovative treatment. Anup ji, can you hear me? Yes, sir. Thank Anup you, sir. Ji, हमारी जनता आपसे सुनना चाहेगी कि डायबिटिक में जो भी इस समय ट्रीटमेंट वाइज, हम सब लोग, कुछ लोग तो अपना ट्रीटमेंट अपना आप ही शुरू कर लेते हैं, कुछ इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डायबिटीज का जो असर है बॉडी के हर पार्ट पे पड़ रहा है. तो आप क्या सोचते हैं कि डायबिटीज सस्पेक्ट होते ही व्हाट शुड बी अप्रोच ऑफ ए ऑर्डिनरी पर्सन, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमरीश जी मुझको इनवाइट करने के लिए, और डॉक्टर अग्रवाल सच अ एमिनेंट पर्सन हु इज लीडिंग दिस डिस्कशन, और माय कुलीग वेरी एमिनेंट चंद्रकांत लहरिया. तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, एक आम आदमी के तहत से क्या उनको करना चाहिए और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे कंट्री में 10 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट्स हैं करीब करीब, और बढ़ते जा रहे हैं जैसे आपने कहा, और 13 करोड़ प्री डायबिटीज के, तो 23 करोड़. ये इतनी ज़्यादा बीमारी केवल कुछ ही बीमारियों को इसके बराबर आती हैं, और उसमें हाइपरटेंशन जो उसका समझ लिए सिस्टर बीमारी, वो भी इतने करीब करीब लोग हैं उसके ग्रसित हैं इंडिया में. दो तीन चीजें एक तो ध्यान रखनी है, दो दो स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ. पहला तो स्तर ये है कि आपको क्या करना चाहिए अपना अपना इन्वेस्टिगेशन या इसको पता करने के लिए, और दूसरा एक बार पता चल गई तो फिर क्या करना चाहिए. तो नंबर एक का, कुछ लोगों को ज्यादा रिस्क है डायबिटीज होने का. एक तो सबसे बड़ी आसान सी बात है कि आपके माता पिता या बहन भाई को किसी को डायबिटीज हो, तो
आपको चेकअप करना चाहिए। आपका वेट ज्यादा है, जैसे जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो बड़ा आसान है कैलकुलेट करना, वो ज्यादा है, या पेट का घेरा ज्यादा है, तो उसको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। आप बराबर डेस्क पर बैठे हुए जॉब करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपने फ्रूट वेजिटेबल्स कम खाते हैं, आप महिला हैं जिन्होंने जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ गई, या आप महिला हैं जिनको कि 18, 19, 20 साल में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, ये सारी चीजें डायबिटीज को बढ़ावा देती हैं। अगर इसमें से एक भी चीज है तो आपको तुरंत, जो भी आपकी उम्र हो, उम्र इस पर वो नहीं करती, आप 18 साल से ऊपर है, वयस्क है, आपको जांच करानी चाहिए। लेकिन आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि 30 साल से लोग जितने भी हैं उन सबको जांच करानी चाहिए, लेकिन हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेते हैं। हम कहते हैं 25 साल से जितने भी लोग हैं, चाहे इनमें ये कंडीशंस हों जो मैंने बताई हैं या ना हो, उनको अपनी जांच करानी चाहिए। जांच कराने में बड़े सिंपल सी चीज है, आपको फास्टिंग ब्लड शुगर जांच करनी चाहिए, और बड़ा आसान है, याद रखना, अगर 100 से नीचे है तो नॉर्मल है, और 100 से ऊपर है तो आप नॉर्मल है। उसके बाद और भी स्टेप्स आते हैं टेस्टिंग के, वो मैं इस समय डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें, तो आपके ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। नंबर दो, जब आपको डायबिटीज हो गई है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। डायबिटीज एक बॉर्डर लाइन भी हो सकती है, और एक बहुत तेज, बहुत हाई डायबिटीज होती है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर 126, 127, 30 है तो वो बॉर्डर लाइन को समझी जाएगी, या लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 160, 70, 80, 200 पर जा रही है तो उसको हम तेज डायबिटीज समझेंगे। दोनों में फर्क है, अप्रोचेज में फर्क है, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज है उसको हम डाइट, एक्सरसाइज, उसके लिए आपके अपने फिजिशियन से संपर्क करना पड़ेगा, उससे हम संभाल सकते हैं उसको, और देख सकते हैं कि उसमें शायद कोई दवा की जरूरत है। लेकिन अगर तेज डायबिटीज है तो उसको, आजकल की जो अप्रोच हमारी है वो है कि उससे तुरंत भिड़ा जाए, तेजी से भिड़ा जाए, और जितनी ताकत हमारे पास है दवाइयों को उसके साथ भिड़ा जाए, क्योंकि वरना वो डैमेज ऑर्गन्स को तेजी से कर लेगी, और बॉडी रिमेम्बर करती कि ये हाई डायबिटीज थी, और उस हिसाब से वो मेमोरी कैरी करती है अंदर, उसके डैमेज होते चले जाते हैं, तो वो मेमोरी नहीं चाहिए हमको। हमको शुरुआत में उसका डैमेज उसको घटाना है, उसको नहीं होने देना है, और उसके लिए हम एक या दो दवाओं का शुरुआत में यूज करते हैं। तो ये तो अप्रोच डायग्नोसिस की हो गई, और ये अप्रोच है शुरुआत की। हमारे मेरे जो ट्रीटमेंट का, जो आप ही समझ लिए कि एक एक्सपेंस है, या उसका लेखा जोखा जो है, उसमें कोई ना होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आता है और ना आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट आता है। हाँ, आप घर में, आपको मेथी लेना है, आंवला लेना है, जामुन लेना है, घर में वो सब आप ले सकते हैं, उससे 5% का फर्क पड़ता है, ये सब हमने स्टडीज करी हुई है, और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बाहर की जो बनी बनाई दवाइयां हैं इस तरह की आयुर्वेदिक, उसमें कोई खास बात नहीं है, और वो केवल कभी कभी मिलावट भी होती है, तो इस पर ध्यान देना। तो अग्रवाल साहब, आई होप मैंने संक्षिप्त रूप में, इसमें बहुत सारे डिटेल्स और हैं, मैंने ये आंसर आपके सवाल का कर दिया। थैंक यू डॉक्टर अनु, ये तो आपने अभी बिगनिंग की है। जी सवाल तो बहुत सारे जहन में उठते हैं। आपने बताया कि यदि माइल्ड है तो 125, 126, 130। अच्छा, जो हमारे 3 महीने वाली डायबिटीज़ का असेसमेंट है, HbA1c, इसके लिए भी थोड़ा सा लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके बारे में भी ज़रा सा बताएं कि क्या लेवल होना चाहिए ताकि लोग बाग अलर्ट हो और चिंतित ना हो। थैंक यू अलर्टनेस, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में बताना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि A1C पर डायग्नोसिस हो जाएगी, A1C पर डायग्नोसिस तो आप निर्भर मत करिए, और जी स्पेशली जब A1C लोअर साइड पे हो तो वो आपको निर्भर नहीं करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन A1C इसका नाम है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, और ये बेसिक इसका ये उस पर आधारित होता है हीमोग्लोबिन, और हमारे कंट्री में 30% लोगों को अनीमिया है, और अनदर 3 से 4% लोगों को हीमोग्लोबिनोपैथी है, हीमोग्लोबिन जो
जेनेटिक ऑल्टरेशन हो जाता है। तो कुल मिल मिलाकर 30 से 35% लोगों को हीमोग्लोबिन A1C ठीक इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये आपको बताने वाली बात है। तो वैसे जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है कि 5.7 से 6.5 तक प्री डायबिटीज और 6.5 से ऊपर डायबिटीज, ये एक बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इस पर निर्भर ना करें डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। हीमोग्लोबिन A1C एक फॉलोअप का टेस्ट ज्यादा अच्छा है, जिसको कि हम 3 महीने की मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, और उसमें भी सही इंफॉर्मेशन कभी देगा न कभी नहीं देगा उन लोगों में जिनका हमने आपको जिक्र किया है। इसके सिवा बहुत से और लोग हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जैसे कि बहुत एल्डरली हैं, या फिर प्रेगनेंसी वाले जो जिनको प्रेगनेंसी है, या फिर जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या कोई ब्लड ऐसी दवाओं पर हैं जो ब्लड बढ़ाती हैं, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, बहुत सारी चीजों में ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, और जिनको किडनी फेलियर है। तो प्लीज अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करिए कि क्या इसकी प्लसेस माइनसेस, क्या फॉर अगेंस्ट क्या है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, और क्या हम किस तरह के टेस्ट कराएं। तो फिर से मैं बोलता हूं, डायग्नोसिस के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पीकर 2 घंटे के बाद कटे, ये डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और फॉलोअप के लिए आप ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग जो घर पर आप कर सकते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो आजकल आई हुई है, एक पैच के हिसाब से लगातार ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और हीमोग्लोबिन A1C उन लोगों में जिनका हीमोग्लोबिन सही है और उनको वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो मैंने बताया। हेलो अग्रवाल साहब, डॉक्टर अग्रवाल साहब, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपके अनुसार डायग्नोसिस तो हम फास्टिंग बीपी एंड हेलो, मैं मुझे आवाज देखो बेटे, आप आवाज है, आप कैन यू हाँ हियर मी? आ आ रही है सर, आ रही है। जी, तो इसका मतलब हमको अपने फास्टिंग पीपी एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये हमारे फंडामेंटल टेस्ट रहेंगे। प्रोग्नोस्टिकली हम अपने A1C एंड उसके साथ साथ हम लोग जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का भी कंसेप्ट धीरे धीरे आप लोगों के थ्रू आ रहा है मार्केट में, वो हमको कुछ ना कुछ आगे की प्रोग्नोसिस के बारे में और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप मेडिसिन की, डाइट की, उसके लिए यूजफुल रहेगा। यस सर, यस सर। एक लास्ट सर क्वेश्चन सॉरी और टू पूछ इंटरवीन लेते डॉक्टर हैं। साहब, सॉरी टू जी जी इंटरवीन, वी बताइए। वेलकम डॉक्टर आर के गोयल, ही इट्स वाइस चांसलर दिल्ली स्कूल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट एंड साइंस, एंड नाउ राइट नाउ ही इज ज्वाइंट विद एलएमटीएम मेडिकल कॉलेज वडोदरा, एंड वी आल्सो जस्ट वेलकम टू डॉक्टर बंसी साहब, ही इज गोइंग टू ज्वाइन वेरी सून, एंड कैरी ऑन प्लीज। जी, मैं डॉक्टर प्रोफेसर गोयल को वेलकम, प्रोफेसर गोयल, बट एक क्वेश्चन मैं अनूप जी से पूछ रहा था कि कुछ यंगर एज में, स्पेशली जो आपने बताया था पोस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन वो कितने केसेस में बनी रहती है, कितने केसेस में वो अपने आप ख़त्म हो जाती है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, नंबर एक मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंडियंस में डायबिटीज ज्यादा होती है, वैसे इंडियंस में जेस्टेशनल डायबिटीज भी ज्यादा होती है, हालांकि इस बारे में रिसर्च उतनी नहीं है जितने कि जनरल डायबिटीज में रिसर्च है। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जो शुगर हाई हमने प्रेगनेंसी में डिटेक्ट करी, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जीडीएम। उसके अब आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ ऐसी हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या शुगर बढ़ी हो, तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो
उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए हमको वो एक अहमियत उसकी बहुत है और उसको डिटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर लोगों में जब प्रेगनेंसी हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो टेम्परेली खत्म हो जाती है, लेकिन अगर लोग, और ज्यादातर ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण ये भी होता है कि बच्चे को संभालना पड़ता है और उस दौरान उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जो प्रेगनेंसी का वेट गेन होता है वो नहीं जाता है, वो बराबर बना रहता है, तो उनको फिर से ये शुगर वापस आ सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक स्ट्रेस एक एक कारण होता है जो कि शुगर बढ़ाता है, और जो लोग पहले ही मोटे होते हैं या फैमिलीज जो होती है उनमें ज्यादा होता है, और टेम्परेली उसका लेवल कम हो सकता है, उसके बाद वापस आ सकता है। और ये करीब करीब देखा है कि 5 to 10 years में अराउंड 30 to 40% ऑफ पीपल, ये हालांकि रिसर्च इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही दो रिसर्च स्टडी को मैं कोट कर रहा हूँ, वो फुल डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी सोचा गया है, एक विचारधारा ये भी है कि ये जो डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी में हो सकती है वो एक तेज तरह की डायबिटीज है, और इसको कंट्रोल करने में पूरा हमारी शक्ति लगनी चाहिए, पेशेंट की शक्ति लगनी चाहिए, हमारी शक्ति लगनी चाहिए। उसका कारण ये बड़ा सिंपल है आपको समझाना, कि अगर ये प्रेगनेंसी के स्ट्रेस में शुगर ऊपर चली गई तो किसी भी स्ट्रेस में ऊपर चली जा सकती है, तो इसका मतलब इंटरनल मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ है, अंदर की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है, और उसको संभालने के लिए हमको पूरी शक्ति डाइट में, एक्सरसाइज में, अपने वेट को ठीक रखने में, और कभी कभी दवाओं की जब जरूरत पड़ती है तो दवाओं का इस्तेमाल जरूर करना। थैंक यू डॉक्टर अनूप। आई थिंक प्लीज बी विद अस बट बिकॉज देर मे बी मैनी क्वेश्चंस फॉर यू, बट नाउ आई विल लाइक टू इनवाइट आवर फ्रेंड आवर कुलीग प्रोफेसर रमेश गोयल। रमेश गोयल इज ए एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। ही हैज बीन ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द टॉप पोजिशंस फॉर आवर कंट्री, लाइक वाइस चांसलर ऑफ वडोदरा यूनिवर्सिटी, साहू जी यूनिवर्सिटी, एंड वाइस चांसलर ऑफ डिपसरू द फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी इन कैपिटल सिटी, एंड नाउअडेज ही इज एडवाइजर विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन वडोदरा, एंड ही हैज गॉट फंडामेंटल वर्क। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लुकिंग इन टू द बेसिक रिसर्च इन कार्डियक साइंस एंड ऑफ कोर्स इन डायबिटोलॉजी आल्सो। प्रोफेसर रमेश गोयल, योर नमस्कार सर। वेलकम सबसे वेलकम। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं कोई कैसे बात नहीं, कोई बात हुआ। नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जी अभी सर, हमारे कुलीग डॉक्टर अनूप मिश्रा ने डायबिटीज के बारे में जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है वो दी, लेकिन ये डायबिटीज के जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो आजकल हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ में प्रेस्क्राइब करते हैं, उसका एक ओरिजिन क्या है आपके हिसाब से, इफेक्टिविटी? एंड समटाइम वी ऑलवेज गेट ए कंसेप्ट कि हमको कुछ ऐसी चीज़ खानी चाहिए अपने फूड में, जैसे लोग बाग मेथी का या जामुन का, तो इसका क्या रिलेशन है? एक परसेप्शन है जो कि पूरी सोसाइटी में है कि हमको ये चीज़ यूजफुल है, उसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि अगले 10 मिनट में कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर अरुण मिश्रा जी को देख के, क्योंकि हमारा 1997 में, मुझे अभी भी याद है जो वो इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर लहरिया जी को भी, और हमारे बंसी साबू तो लीडर है ही अभी डायबिटीज में, और कई बार कई चीजें जो PhD कर रहे थे। अब ये मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो बात बताई गई है कि आपका परसेप्शन क्या है हर्बल, और इसमें मैं बताऊं कि मैंने मेरे 40 और 46 साल के कैरियर में 20 साल तक हर्बल ड्रग्स और इनको मैंने टच ही नहीं किया था हर्बल की। और पता नहीं जब मैंने 1998 में शुरुआत की तो लोग ये समझने लगे कि मेरे को, मैं तो एक हर्बल साइंटिस्ट हूं। ऐसा नहीं है,
सी हम जब फार्माकोलॉजिस्ट थे तो हमको पहली चीज जो सिखाते थे कि देर आर ओनली टू ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, बाइगोनाइड्स एंड सल्फोनिलयूरियास। ये बहुत सही बात है। और थर्ड ग्रुप था इंसुलिन, जिसके बारे में बोलते हैं। इंसुलिन अगेन, इफ आई डोंट वांट टू गो टू द हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि हम बेंटिंग एंड बेस्ट ने जब बना दिया, उसके पहले पेनक्रियास के बारे में भी बात हुई, कई चीजें आई आगे। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम का भी बहुत मर्यादा है, लेकिन यस, पेनक्रियास इज यूजफुल, वो सर एडवर्ड अल्बर्ट ने बताया था शार्पनिंग के। और उसके बाद में उसकी सीक्वेंसिंग हुई सेंगर, और सेंगर क्या क्या एक सीक्वेंस हम जानते हैं। उसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ये हम 80s में पढ़ाते थे जो भी MBBS में या वो फार्मेसी में थे। लेकिन हुआ क्या कि जब हिस्ट्री में गए तो पहले सल्फोनिलयूरिया और मेटफॉर्मिन के बीच में ये दो सरफेस में आई बहुत, मेनली ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लिबुलाइड, वो बाद में जनरेशन ऑफ सल्फोनिलयूरिया आते गए। बट वन वाज रिलीजर एंड अदर वाज कि वो इंसुलिन रिलीज करती है, और एक है जो उसको उसकी एक्टिविटी बढ़ाती है। अब क्या होता है कि बाय द ये कंसेप्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आया, दैट केम इन अराउंड 90s। उस 90s में सडन एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। और दूसरा, जब पता पड़ा कि सोडियम आई मीन पोटेशियम, ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स इन्वॉल्व में सल्फोनिलयूरिया में, तो ऑल ऑफ ए सडन मेटफॉर्मिन स्टार्टेड बिकमिंग द ब्लॉकबस्टर। ये रियल स्टोरी है कि एक बार क्वेश्चन किया गया, पर मेटफॉर्मिन इज मेटफॉर्मिन नाउ, व्हाट एवर यू से, लेकिन इट गेव राइज टू ए न्यू एरा। स्टार्ट हुई हैजोलिडिन डायोन से, जो PPAR गामा और ये सब हुए। अब इसके बाद में PPAR गामा और ये सब हुआ तो है लिपिड का कंसेप्ट आ गया पूरा। मुझे अभी तक याद है, जो जैसे अनूप सर बता रहे हैं कि यस, डॉक्टर अनूप सर जो बता रहे हैं बहुत सही है, HbA1c और सबकी बात अलग अलग, इसके अपने अपने इनकी अहमियत है। इट इज नॉट कि प्योरली HbA1c ही बताएगा या ये है, इट्स डिपेंड्स ऑन टाइप। डायबिटीज ए वेरी डाइवर्सिफाइड डिजीज, इट्स नॉट अ सिंपल डिजीज। लोग जो समझते हैं कि बस ग्लूकोज हुआ, एक ही तरह की दवा है, वो सब जमाना गया, अभी टोटली डिफरेंट है। लेकिन यस, गोल्ड स्टैंडर्ड रिमेन्स गोल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड इज गोल्ड। मैं हर्बल के बारे में भी आऊंगा और उसको लिंक करूंगा मॉडर्न पे। अब क्या होता है कि इसके बाद में जो थायाजोलिडिन डायोन्स, रोर्जीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ये सब, उससे पहले एकार्बोज, क्योंकि PP यूज टू बी दी प्रॉब्लम कि पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज जो बढ़ जाता है उसके लिए क्या, वहां पर भी फिर शुरुआत हुई। और अकार्बोस एक अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग, और वहीं से चलते फिर जब साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया अलग ढंग से, तो निकला कि इंटीग्रीन पाथवे आ गया। और आज की तारीख में बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर लहरिया जी, अनुप मिश्रा जी और सब, ग्लिप्टिन्स और इनका जमाना आ गया। फिर पता पड़ता है कि डायबिटीज में किडनी का, तो SGLT इनहिबिटर्स, नाउ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन किडनी। अब ये PP और फास्टिंग, कई पेशेंट होते हैं बोलते हैं सर हमारा PP और फास्टिंग सेम आता है कई बार, या कई बार तो फास्टिंग से भी नीचे चला जाता है कई। अब ये पेचीदा प्रश्न, लोगों को ऐसा लगता है कि किसी डायबिटोलॉजिस्ट को बता दो, ऐसा नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका जब कंट्रोल में नहीं है तो एक वो स्पेशलिस्ट को बताएंगे, वो डायग्नोस करेंगे कि डायबिटीज होने का कारण कहाँ कहाँ है। मुझे अभी तक याद है, जब मैंने पहली बार जिंजर के बारे में बताया था तो मुझे टोरंटो से फोन आया कि आपका पेपर पढ़ा गुजरात समाचार में, और पता पड़ा कि ये तो बहुत अच्छी है, तो मैं तो रोज जिंजर खाने लगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, प्लीज आप ये साइकोलॉजी, वो इट वाज आई रिलेटेड विद दी ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि कोरोना में अश्वगंधा, जैसे कि अश्वगंधा ही चीज है, वो चीज नहीं है। तो अब जो बात आती है कि मैंने जब पहली बार पेपर, एक रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल लिखा था, उसमें आई क्लासिफाइड हर्बल ड्रग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैंने तो स्लाइड स्लाइड बनाई थी, पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, जस्ट आई कैन नॉट शेयर द स्लाइड्स राइट नाउ, लेकिन अगर मैं एक ही चीज बताऊं कि आई क्लासिफाइड द हर्बल ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज की तारीख में पहला आता है इंसुलिन या इंसुलिन माइमेटिक, ममोर्डिया चरेंशिया करेला वॉज द लीडिंग वन इन दैट। देर आर अदर प्लांट्स लाइक एलिगा, द टेरोकार्पस मार्शोपियम जो BHU में किया गया था, और उसके बाद में सार्को पेटेरियम, कई ऐसी प्लांट्स हैं जो दे आर आइदर इंसुलिन और इंसुलिन लाइक। उसके बाद में देर आर स्पेसिफिक हर्ब्स जो रिलीज ऑफ इंसुलिन, जस्ट लाइक सल्फोनिलूरिया है, उनके नाम जैसे फाइकस है, एलियम सेपा, सिंपल गार्लिक। इसका मतलब ये नहीं है कि टन्स ऑफ गार्लिक लेना शुरू करो। उसके बाद में द पॉसिबल जो बीटा सेल को रीजनरेट करती है, टेरोकार्पस वाज द फर्स्ट वन, टेरोकार्पस मार्सुपियम जो BHU में इसकी डिस्कवरी की, और जिमनेजिया सेल्वेस्ट्रा, जामुन भी। उसके बाद में देर आर ड्रग्स विच एब्सॉर्प्शन, आयुर्वेद में GIKD की तो बात करते हैं। उसके बाद में लिवर की बात आती है, लिवर में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, एलिगा, कोक्निया, ओसिमम सटाइवम, तुलसी, और फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन वाली जो हमने खुद रिसर्च की थी, दैट वाज ऑन द जिंजर। सो इस तरह से जो हर्बल ड्रग्स हैं, हर्बल ड्रग्स और मॉडर्न ड्रग को कंपैरेटिवली पैरेलल में चले हैं और ढंग से उसको यूटिलाइज करें तो हो सकता है। और अभी ये कोविड के टाइम पर, जब ये कोविड में डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर का जब ज्यादा चला था, तो ACE2 वाज द टारगेट। उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमने एक ड्रग बनाई, और अभी मैं यूज करता हूं टर्म रिवर्स इंजीनियरिंग। हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, हर्ब्स हैं, उनके फाइटोकेमिकल्स नोन हैं, ये है ओल्डर टाइम, एंशिएंट टाइम। दूसरी तरफ हमको टारगेट सब मालूम पड़ गए, PPR गामा, ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, सो लाइक दैट देयर आर सेवरल टारगेट्स ऑफ डायबिटीज। मुझे अभी तक याद है डॉक्टर बंसी साहब ने लाडा और लेट की बात की थी, लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ एडल्ट्स। नाउ ऑल दीस थिंग्स हैव अ टारगेट। हमने जो मैनेज मुहिम अभी उठाई है वो है कि उनमें से केमिकल्स को पिकअप करके By the way of bioinformatics, find out the इनके उनको pairing करो, and then what we say reverse engineering, reformulate, redesign your formulation, redesign your experiments to prove anti-diabetic, and you can come forward with that. So this is something which is required, and our treasure of herbs is very important. कई बार क्या है, बहुत मिथ है ये, पब्लिक को जब हम कुछ बता देते हैं, ओ ये प्लांट है, तो चारों तरफ मीडिया में शुरू हो जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है। मुझे अभी भी याद है डायग्नोसिस की, जब बाद में ज्वाइन किया, डायग्नोसिस की बात चल रही थी, अब पेशेंट का क्या है, अब वो HbA1c क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पेशेंट क्या करता है कि अच्छा कल मुझे ग्लूकोज का लेवल करना है ना, तो आज मैं गोली नहीं खाता हूँ जिससे देख सकूं कि रियल में मेरी असर हो रही है कि नहीं, या मैं गोली ज्यादा खा लेता हूँ जिससे डायबिटिक वाला वो डॉक्टर मुझे जबरदस्ती डॉक्टर हो और दवाएं ना लेके, इस तरह की भी होती थी। HbA1c इज द आंसर। अगर आपको Type 1 डायबिटीज है, फ्लक्चुएशंस है, यस CGSL पर, अब हर एक कोई और पंप लगा के और रोज का वो वेरिएशन देखे, वो सही नहीं है। सो हेयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्टर, डायबिटोलॉजी, द स्पेशलिटी विच हैज कम इन। मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ कि ये स्पेशलिस्ट को इसलिए दिखाना होता है, नॉट जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हमारे टाइम में जब ओल्ड टाइम जो था, जब 80s में, जब 80-90 में जब दो तीन ड्रग थी, अब तो प्लेथोरा ऑफ ड्रग्स है, सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल, न्यूअर एंड न्यूअर मोड्स आर कमिंग अप, एंड इन द लाइट ऑफ दैट वी कैनॉट थ्रो द हर्बल्स। अगर हर्बल्स को भी प्रॉपरली रिवर्स इंजीनियरिंग मोड में लें तो बहुत कुछ आगे आ सकते हैं, ये मेरा कहना है। आई हैव ट्राइड टू बी एज ब्रीफ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन तो लंबा था मेरा, पर आई हैव ट्राइड टू कॉम्प्रीहेंड
कि जो मेन मैसेज है कि यस हर्बल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट इट हैज टू बी लुक फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन नॉट से गिलोय गिलोय जैसे हो गया था और पूरे तरफ और पूरा फिर पता पड़ा कि क्या हुआ, हम भी जानते हैं उसका। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट हमारी कोरोना की ड्रग जो है, वी आर द थर्ड वन ओनली इन द कंट्री टू गेट लाइसेंस फॉर दैट। ये सारी कंट्रोवर्सी को दूर करते हुए हमारे क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स अप्रूव हुए बकायदा, और इट वाज ए प्रॉपर मॉडर्न अप्रोच फॉर दी आयुर्वेदा, नॉट जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड इट इज हैविंग इट्स ओन रेलेवेंस। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, आई हैव जस्ट ट्राइड टू कॉम्प्रिहेंड दैट हियर। थैंक यू प्रोफेसर रमेश गोयल फॉर सच ए वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यू हैव गिवेन। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो आपने इतना बताया, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो आपने आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे क्लिनिशियंस यूज़ कर रहे हैं, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी हर्बल ओरिजिन से है, बहुत ही कनेक्शन है। इम्पोर्टेंट, यस सर। सी वैसे तो देखिए, आज हम सारी ड्रग्स को लेने जाए ना तो काफियों का ओरिजिन वहीं मिलेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल ये बात करता हूँ, एसजीएलटी इनहिबिटर्स, फ्लोरिन, फ्लोजिन इज द फर्स्ट थिंग दी जो बार्क में से निकली थी, जो ग्लूकोज जीएलपी इनहिबिटर का ओरिजिन था। अगर हम मैं मेटफॉर्मिन की भी बात करूं जो सबसे पॉपुलर ड्रग है, देर इज ए प्लांट ऑफ गैलेलिया ऑफिसिनाले, उसमें बाइगोनाइड्स हैं, उस ग्वानाइड्स के ऊपर से बाइगोनाइड बने और मेटफॉर्मिन बनी जो आज बहुत ब्लॉकबस्टर है। ये उसका ओरिजिन है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जिस प्लांट पे मैंने काम किया, सोशिया एनिकोस्टिमा लिटरली मामेजवा जिसको बोलते हैं, छोटा चिराइता हिंदी में बोलते हैं, तो वेलरी साउथ में उसका नाम है, उस प्लांट में 7% यील्ड एक स्वर्शिया मरीन कंपाउंड की थी। आज मैं स्वर्शिया मरीन को एक तरफ रखता हूँ और एक तरफ मेटफॉर्मिन को रखता हूँ, सारे इफेक्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। हर्बल का तो डेफिनेटली हर्बल ओरिजिन है। इवन लोवास्टेटिन, जो जब ये लिपिड्स का जो जमाना शुरू हुआ, वो अगेन इट वाज फ्रॉम हर्बल फर्स्ट। सो लाइक दैट हर्बल ओरिजिन रही है। अब जैसे हाँ ओपियम की बात करें, जी, ओपियम और मॉर्फिन या रिसर्पिन वर्सेस राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया ठीक है सर, रिसर्पिन गया, लेकिन जो कंसेप्ट छोड़ गया सिंपैथोमिमेटिक्स एंड ऑल दैट, वो आज भी जिंदा है। आज कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। इस तरह से कनेक्शन तो है। एसी का भी देखो तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जो एसी टू टारगेट है उनका। ये थैंक यू रमेश गोयल साहब। प्लीज़ अभी आप कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि यस अभी मेरे दो एस्टीम स्पीकर बाकी हैं, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वे आपके सामने लाए जाएंगे। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं जो डॉक्टर बंसी साहू, ऑन बिहाफ ऑफ डबल हेलिकल एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन ऑफ अस, वी लाइक टू वेलकम डॉक्टर बंसी साहू। डॉक्टर बंसी साहू इज अ वेरी एमिनेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ डायाकेयर एट अहमदाबाद, एंड हिज एंटायर सिस्टम इज टोटली डेडिकेटेड फॉर डायबिटिक केयर एंड हार्मोनल क्लिनिक। डॉक्टर बंसी साहू, आई हैव हर्ड सॉरी अबाउट यू, टू बट डॉक्टर आई बंसी विल बी साबू, सर साबू हैं नॉट साहू। साबू, सॉरी सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। डॉक्टर बंसी साबू, वी लाइक टू वेलकम यू, एंड प्लीज व्हाट यू फील फ्रॉम योर एंगल द एडवांसमेंट इन डायबिटिक ट्रीटमेंट, एंड नाउडेज वी नॉर्मली कॉल इट पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वी वुड लाइक टू गिव योर थॉट्स इन नेक्स्ट 10 मिनट्स टू डॉक्टर बंसी।
सर सबसे पहले तो प्रणाम डॉक्टर रमेश गोयल सर को, आपको प्रणाम डॉक्टर ए के अग्रवाल सर एंड मेरे गुरु डॉक्टर रूप मिश्रा सर जो यहाँ हाजिर है. आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी हिम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. प्रोफेसर रमेश गोयल, आई नो हिम सिंस लास्ट 20 years और मे बी मोर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अहमदाबाद एंड फ्रॉम दोज डेज सर इज ए प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी. तो पहले तो मैं जो सर ने बात बताई अपने रिगार्डिंग द हर्बल ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, देन उनका पेपर जो डिफरेंट हर्बल मेडिकेशन के भी ही हैड ओके व्हाट इज द डिफरेंट मैकेनिज्म, देन ही ट्राई टू सी द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑलरेडी एंटी डायबिटिक एजेंट्स व्हिच आर अवेलेबल. नाउ एज ए क्लिनिशियन व्हाट वी वांट टू नो के हर दवाई का उसका ग्लाइसिमिक इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले उसकी एफिकेसी क्या है और सेफ्टी क्या है. और एज ए डॉक्टर we want to see the efficacy and safety of the molecule, that is the first important thing, and second uske baad mein uske pleiotropic effect and side effects, contraindication, cautions, when not to use or when to use it. Now as a doctor or as a physician, these are the some of very important points. Yadi aaj diabetes management ki baat kare to hum UKPDS ka jab pehli study hui tabara hamara aisa tha ki glucose centric approach thi, yani शुगर अच्छा कंट्रोल करना ही हमारा मेन अप्रोच था. लेकिन उस समय ये भी देखा गया कि इवन आप ग्लूकोज को बहुत इंटेंसिवली कंट्रोल करते हैं उसके बावजूद भी कुछ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन तो डिक्रीज होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक या मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर इतना फायदा नहीं होता. स्टेनो 2 ट्रायल ने हमको बताया कि ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के लिए हमको मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच करना पड़ेगा, यानी A1C तो कंट्रोल करना ही करना है ग्लूकोज, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग सीजेशन करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, दे ऑल विल हेल्प. लेकिन बीच में कुछ एक और ट्रायल ने ये बताया कि इंटेंसिव कंट्रोल करना, यदि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट्स है तो आप उसका हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज करके या बहुत ज्यादा टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करके आप उसमें बहुत फायदा नहीं कर सकते. और साथ में रोजी ग्लिटा जोन के ऊपर पेपर था कि इस टाइप की दवाई देने से जिससे हार्ट अटैक बढ़ रहा है, यानी आपको वो दवाई भी नहीं देनी, यानी अब आपको डायबिटीज कैसे कंट्रोल करना है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट्स को, एल्डरली पर्सन को, ऑलरेडी जिसको हार्ट डिजीज या किडनी की प्रॉब्लम हो गई है उसमें शायद बहुत इंटेंसिव कंट्रोल काम नहीं करेगा, और आप क्या दवाई देंगे जिससे उसको फायदा होगा, लेकिन कम से कम ऐसी दवाई मत दीजिए जिससे उसको नुकसान होगा, और वो पूरी ग्लिटाजोन स्टोरी आई. और उसके बाद मेडिकल कम्युनिटी ने और अमेरिकन एफडीए ने दे डिसाइडेड कि कोई भी नई दवाई आएगी उसका एक कार्डियोवास्कुलर आउटकम ट्रायल होगा, यानी जिन डायबिटीज के पेशेंटों को ऑलरेडी हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा है या उनको हार्ट डिजीज हो चुकी है उसको कार्डियोवास्कुलर आउटकम ट्रायल के साथ में, मतलब उन पेशेंटों को ये दवाई देके देखा जाएगा तो उनको सही में फायदा हो रहा है कि नहीं. एंड जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर रमेश गोयल ने, कि DPP-4 का जमाना आया, फिर GLP-1 का जमाना आया और SGLT2 इनहिबिटर, और ये तीन दवाई हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15 साल के अंदर जो इनका डेटा आया और जो ये अवेलेबिलिटी हुई उससे पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ द वे वी वर ट्रीटिंग. जितनी भी DPP-4 मेडिसिन आई उन्होंने हार्ट डिजीज को प्रिवेंट नहीं किया, कुछ न्यूट्रल थी और कुछ ने हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर बढ़ाया. लेकिन SGLT2 इनहिबिटर जो सही में ब्लॉकबस्टर हुई दवाई, उन्होंने देखा कि जो लोगों को हार्ट डिजीज थी, एस्टेब्लिश कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी, उनका हार्ट फेलियर भी रोका, उनको हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर भी डिक्रीज हुआ, ऑल कॉज मोर्टेलिटी भी कम हुई, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी भी कम हुई, एंड देन दे बिकम द ब्लॉकबस्टर फॉर द मार्केट. द सेम विद द GLP-1, क्योंकि GLP-1 ना हाइपोग्लाइसिमिया कर रहा था, वजन भी घटा रहा था, एंट्री एथरोस्क्लेरोटिक और उनका CVOT आउटकम भी बहुत बढ़िया. अभी के टाइम में यदि पिछले 3-4 साल में मैं देखता हूँ तो GLP-1 हैड बिकम द नंबर वन ड्रग, क्योंकि अब डायबिटीज के अंदर हमारा मैनेजमेंट न केवल शुगर कंट्रोल करा, शुगर कंट्रोल के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंशन वाला अप्रोच हुआ, और उसके साथ में हाइपोग्लाइसिमिया नहीं हो, यानी शुगर डाउन नहीं हो और वेट गेन नहीं हो और रादर वेट लॉस हो, वो हमारा प्राइमरी मैनेजमेंट हो गया. अभी वेट लॉस का जो बेनिफिट हुआ वो ये GLP-1 इस फैमिली की दवाओं से हुआ, और इसमें जो लेटेस्ट वन है जो ड्यूअल GLP एंड GIP
कंबाइंड है वो मॉलिक्यूल हैड बिकम रियली ब्लॉकबस्टर. इसके पहले सिमाग्लूटाइड, इन्होंने 15-15 किलो 20-20 किलो वजन, यानी आप समझिए डायबिटीज ऑलमोस्ट रिवर्सल. और अब ये दवाई ऑफिशियली एज ए ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए भी आ गई, जो एक्चुअली डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने का मुख्य कारण है जो वजन है. लेकिन इस बीच में डॉक्टरों ने पिछले 30 साल से, एंड आई विल अगेन से यार सैल्यूट टू डॉक्टर अनूप मिश्रा सर, कि जहाँ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर कंटिन्यू हमने एम्फेसिस चालू रखा, कि वो बहुत प्राइमरी गोल है हमारा. आप डायबिटीज की कोई भी स्टेज पर है, चाहे स्टार्टिंग में है या 10 साल बाद में, आपको डायबिटीज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना चाहिए, कैसे आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, आपको प्रोटीन इंटेक के अंदर बढ़ाने से कार्ब में सिंपल कार्ब्स या रिफाइंड कार्ब आपको कम खाने के हैं, और आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है. और ये जो भी हम डॉक्टर जो भी है वो एविडेंस बेस्ड फिजिशियन जो डायरेक्ट प्रैक्टिशनर है, वो एक रिसर्च डेटा या टेक्स्ट बुक के अंदर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसको प्रैक्टिस करना चाहता है. कि आज कितनी हम उसको पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहें, कितना मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कहें, कितना हम उसको प्राणायाम करने के लिए कहें, स्ट्रेचिंग के लिए कहें, कितना हम उसको डाइट के बारे में समझाएं, और कौन सी दवाई हम उसको लेटेस्ट थेरेपी देके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाए. डॉक्टर का फर्ज या प्राइमरी जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसका एक ही पर्पज है कि उसके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया से बढ़िया हो, और यदि क्वांटिटी जो भी दवाओं से बेस्ट इंक्रीज हो सके बढ़िया से बढ़िया वो दवाई देना चाहता है. उसको कोई भी हालत में उसके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो ऐसा वो नहीं चाहता है, और ना उसका कोई इंटेंशन है. सो दैट इज व्हाट द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. वी आर नॉट अगेंस्ट एनी हर्बल मेडिसिन, बट द प्रॉब्लम इज विद वी डोंट हैव द सफिशिएंट एविडेंस नाइदर टू से यस और नो टू आवर पेशेंट, एंड दैट्स द रीजन वी मे नॉट एग्री फॉर सम ऑफ द मेडिकेशन विच पेशेंट माइट बी यूजिंग ऑन देयर ओन. हमारा जो अभी का डायबिटीज में लेटेस्ट मैं जैसे बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए इंडियन पेशेंट्स वी मे गो विद मेटफॉर्मिन SGLT2 inhibitor, a choice of therapy. GLP यदि patient afford कर सकता है क्योंकि costly है, यदि weight loss हमारा primary है तो definitely, otherwise DPP4, sulfonylurea we do use जब हमारा glucose control बहुत out of control है, या फिर insulin therapy. These are the medication. अभी हमारा muscle strengthening exercise, sarcopenia is a major challenge for us. Malnutrition जो protein खाना कम है, carbohydrate consumption ज्यादा है, इसलिए हमको दूसरी चीज जो पेशेंट को ज्यादा समझाते हैं वो उसको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, एंड ज्यादा से ज्यादा उसको एरोबिक एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं. एंड सार्कोपेनिया ये मेजर चैलेंज है. एक नया मेजर इश्यू आया है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नाउ उसका नाम चेंज होकर हमने MASLD किया है. वो भी एक पेशेंट विद ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज पेशेंट्स में एक मेजर चैलेंज है. सो एक क्लिनिशियन जब पेशेंट को देखता है तो उसको एक केवल शुगर कंट्रोल के हिसाब से नहीं देखता, उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स या कोमोर्बिडिटी के रूप में देखता है, और साथ में ये सब कोमोर्बिडिटी का प्रोग्रेशन को कैसे अटका सके, उसको कैसे रोक सके, या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर कर सके, वो हमारा प्राइमरी एम होता है जब हमको ट्रीट करते हैं. सो ऊपर से लेके नीचे तक की दवाई, चाहे वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल की है, चाहे वो स्टेटिन उसके कोलेस्ट्रॉल के लिए है, चाहे उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया गया है, या जो भी मेडिसिन दी है, उसका प्राइमरी पर्पस ये है. अभी हम उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट को हम उसको मॉनिटरिंग रेगुलर और फॉलोअप ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे यहाँ का कॉम्प्लायंस पेशेंट का और चेंजिंग द डॉक्टर्स के बजाय भी थेरेपी के बाद पैथी भी कई बार चेंज करते हैं, दवाई बंद कर देते हैं. डॉक्टर साहब उसकी जगह ये फायदा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी घट गया, अभी तो मैं ये खाने लग गया, वो खाने लग गया, लेकिन उन सबका एविडेंस नहीं है, इसलिए हमको उनको कई बार कॉन्ट्राडिक करना पड़ता है कि नहीं साहब आप ये नहीं ले सकते क्योंकि हमको आपका टारगेट ये चाहिए और इस पर्टिकुलर दवाई से ये हो रहा है. यानी आप वो अचीव कैसे करते हो वो भी बहुत जरूरी है. केवल आपका टारगेट अचीव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खास करके जब आपको ग्लिटाजोन वाली स्टोरी आई या एकॉर्ड के अंदर कि आपने टाइट कंट्रोल तो कर लिया लेकिन कैसे आपने कंट्रोल किया वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भी एविडेंस होना चाहिए कि आपने कैसे कंट्रोल किया वो भी आपको बेनिफिट करना चाहिए. So, ये दो चीज हम जरूर से एजुकेट करते हैं पेशेंट को और उसके बेस के ऊपर दवाई लिखी जाती है ताकि लॉन्ग टर्म पेशेंट फॉलो कर सके. और आपने देखा होगा कि जो भी पेशेंट रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, टर्शियरी केयर पर जा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से मिल रहे हैं, न केवल उनकी
लॉन्गिविटी इम्प्रूव हो रही है बट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर भी बहुत फर्क पड़ रहा है. विद दिस वंस अगेन थैंक यू सर. डॉक्टर अग्रवाल साहब आपने पूछा एंड प्रोफेसर रमेश गोयल एंड डॉक्टर लहरिया आपने इनवाइट किया मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर. डॉक्टर तिवारी साहब, विशाल जी, एंड वंस अगेन थैंक यू एंड प्रणाम टू डॉक्टर अनुप मिश्रा, माई गुरु, माई टीचर, एंड टू डॉक्टर रमेश गोयल. थैंक यू सर. Thank you, Dr. Bansu Sabu, for very valuable information you have given. I think before I put another question to you, let me invite my next and the last panelist, who is Dr. Chandrakant Laharia. And to introduce Dr. Chandrakant Laharia, first of all, let me confess one thing. Dr. Chandrakant, you can hear me? Yes, sir, I can hear you. Yes. That I am a very proud teacher to have Chandrakant Laharia with me. He is my colleague. Thank you. And he is a very success story for us as teacher for Maulana Azad Medical College. The person who had been clinician, but a very, very eminent public health expert after spending a couple of years with WHO, and now he has become talk of the town in the sense he is writing in various magazines, newspapers about the burning problems of public health, and so much so that he has become celebrity. Am I correct? I don't know, sir, but thank you very much for your kind words, sir, for so, saying this thing. And I must say that I am equally proud of being. Yeah. Whatever I'm saying is from my heart. And he has worked a lot on various public health problem and diabetes. When you say it is 15%, 16%, it becomes a very major public health problem. So, Chandrakant, what had been your approach to deal with diabetes from public health point of view and from WHO point of view and from your own point of view, how we can prevent diabetes in totality, means we can minimize it? Please give your views. Sir, sabse pehle to thank you very much for kind words. Main bhi utna hi, matlab apne aap ko feel proud to know you for last 25 years, sir. Sir was the dean in the college when I was doing my internship. So it's a long association. So proud to be associated with you. And also, bahut sari cheeze hain beyond like medicine, I've learned from you as a leader, medical teacher and leader in healthcare field. Amrish Tiwari ji, dhanyavaad mujhe yahan par aamantrit karne ke liye. And main yahi soch raha tha ki is panel mein teen eminent speaker hain, do leading physician, diabetologist, unke baad main kya bolunga. And of course, Dr. Ramesh Goyal, pharmacology ke field mein ek leading expert, and of course, leadership position in health. Dr. Agrawal, sir, aapke sawal ka jawab ye hai ki main kaafi samay tak as a health expert, World Health Organization mein kaam kiya, aur uske baad jab maine switch decide kiya ki main as a clinician and practicing public health writer, काम करूंगा, तो माय फर्स्ट डिसीजन वाज दैट आई शुड सिलेक्ट वो बीमारियां, वो कंडीशन जो एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. एंड इस देश में अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो जिनमें क्लिनिशियंस का रोल है, वो सबसे ऊपर आती हैं. ऑफ कोर्स ट्यूबरक्लोसिस और बाकी सारी पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्रोग्राम का रोल है, लेकिन डायबिटीज और हाइपरटेंशन इसमें गवर्नमेंट और प्रोग्राम का डेफिनेटली रोल है, लेकिन एवरी सिंगल क्लिनिशियन का भी रोल है. तो इसीलिए मैंने इस फील्ड में निर्णय किया कि जब मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव में स्टार्ट किया तो डायबिटीज हाइपरटेंशन को सिलेक्ट किया. बात करते हैं कि हम जानते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि 1970 से लेके अब 2020 का जो डेटा आया है, पिछले 5 दशकों में डायबिटीज 5 गुना बढ़ गया है. जो प्रिवेलेंस हुआ करता था वो 2% हुआ करता था 1970s में, और अब 10% के करीब एडल्ट पॉपुलेशन में पहुंच गया है, और ये बढ़ता जा रहा है. दुनिया के भाई कई हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक है. तो अगर इस चुनौती को हमने समय रहते नहीं
सॉल्व किया पॉलिसी प्रॉब्लम से, और एडिशनल प्राइमरी केयर फिजिशियन, एडिशनल डॉक्टर अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन को टैकल नहीं करते हैं तो बड़ी चुनौती बनती चली जाएगी। इस चुनौती का प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम समय रहते और जल्दी से जल्दी डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं लाए, उसके कार्डियो मेटाबॉलिक इफेक्ट को प्रिवेंट नहीं किया, ऑफकोर्स डायबिटीज अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो कार्डियो उसके प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन पड़ जाएगा, उससे कॉम्प्लिकेशंस अधिक होंगे जो व्यक्तियों लोगों के लिए उसकी अधिक कॉस्ट होगी, और हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन बढ़ेगा तो हम बाकी लोग जो बीमार हैं उनको इलाज नहीं दे पाएंगे। सो डायबिटीज एक असली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक हेल्थ पर्सन, एवरी क्लिनिशियन नीड टू वर्क अपॉन, ये तो एक बात है। दूसरा चीज है कि अधिकतर लोग जो अपना ब्लड शुगर लेवल होता है, हम जानते हैं कि बाकी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई खांसी बुखार होता है तो बेसिक वाइटल्स तो होते हैं लेकिन उनका शुगर लेवल रेयरली ही चेक होता है। दूसरी चीज है कि हमारे देश में वो परंपरा नहीं है कि लोग एनुअल या जो सजेस्टेड हेल्थ चेकअप कराएं, तो लोगों को जब तक पता चलता है कि उनको डायबिटीज है तो वो काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग मिल जाए अगर आप पब्लिक में स्क्रीन करें, और किसी भी इनकम ग्रुप में, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका रैंडम ब्लड शुगर 350-400 होगा और उनको पहली बार उस समय पता चलेगा कि अच्छा हमें तो कभी पता नहीं था, हमें किसी ने नहीं बताया। तो देश में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दूसरी चुनौती ये भी है कि लोगों को अगर पता भी चल जाता है तो वो रिलक्टेंस दिखाते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है तो फिर उसका क्यों इलाज कराएं, जबकि आज के समय में डायबिटीज की दवाइयां काफी सस्ती हो चुकी हैं और हाई क्वालिटी, जो SGLT2 इनहिबिटर की बात की तो वो सारे इतने सस्ते हैं और इजीली अफोर्डेबल हैं और उनके इलाज करने से समय रहते लोग ठीक हो सकते हैं। तीसरी एक जो चुनौती है कि डॉक्टर मिश्रा ने काफी डिटेल में बताया कि HbA1c रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, लेकिन अगर हम तीन पैरामीटर को, फास्टिंग ब्लड शुगर, 2 आवर पोस्टप्रेंडियल और HbA1c तीनों को मिलाएं तो उसके आधार पर डायबिटीज का डायग्नोसिस करें, और साथ में अगर इन एनी केस अगर 9% से ऊपर अगर HbA1c है तो ऐसे लोगों को जरूरत है कि उनको इंसुलिन स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी भी और देश में कई लोग हैं, कई सारे मरीज होते हैं जिनका HbA1c 11% है, 12% है, लेकिन वो कहते हैं हम इंसुलिन नहीं लेंगे, हमें इंसुलिन से लोगों को एक डर रहता है, जबकि काफी सारी स्टडीज हैं जिसमें वो माना जाता है, जिसमें प्रूवन है कि अगर डायबिटीज की डायग्नोसिस के बाद एक इफेक्टिव कंट्रोल विद द राइट मेडिसिन किया जाए शुरुआत की स्टेज में, तो उसको लेगेसी इफेक्ट जो यूकेपीडीएस से आया था कि अगर शुरुआत में एक बेहतर कंट्रोल होता है तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक चीज और है जो काफी समय वो बातें चलती रहती हैं कि लोग डायबिटीज रिवर्सल या रिमिशन की बात कर, अधिकतर लोग जो उसको करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते वो रिवर्सल की बात करते हैं, लेकिन एक रिमिशन की पॉसिबिलिटी को भी है जो पॉसिबल है, खासतौर से अगर कोई व्यक्ति का HbA1c 8% से नीचे है, उसको 1 या 2 से कम मेडिसिन चल रही है और डायबिटीज पिछले 5 सालों में डायग्नोस हुआ है तो उसमें रिमिशन की काफी अधिक संभावना है। तो अभी डायबिटीज के फील्ड में काफी सारी मेडिसिन हैं, काफी सारे एडवांसेज हैं और ये देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डायबिटीज के बारे में एक चीज और जो मैं चूंकि जनता के लिए भी प्रोग्राम है कि थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच हम कह सकते हैं कि एक तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है लेकिन वो डिफिकल्ट होता है, सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, सेकंड थर्ड कॉम्पोनेंट मेडिसिन है जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है और काफी इफेक्टिव है और अधिकतर लोगों का डायबिटीज इन तीनों इंटरवेंशन से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज का जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल या शुगर कंट्रोल वाली अप्रोच ऑफकोर्स अब पुरानी हो चुकी है, वो कार्डियोमेटाबॉलिक इंटरवेंशन की बात हम कर चुके हैं उस पर। मुख्य बात यह है कि हमें जनता में जागरूकता लानी है कि आपको रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराना है, खासतौर से जिनको फैमिली हिस्ट्री है, अगर एक पेरेंट या दोनों पेरेंट को फैमिली हिस्ट्री है तो 33% और 66% डायबिटीज होने की संभावना है। आपको रिस्क फैक्टर्स है, खासतौर से ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है। तो लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि नियमित रूप से बाकी पैरामीटर्स की तरह
अपने ब्लड शुगर पैरामीटर की जांच कराएं। अगर आपको ब्लड प्री डायबिटिक या डायबिटिक की संभावना है तो आप नियमित अगर संभावना प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है तो उसमें कोई शर्माने या घबराने की बात नहीं है। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से संभव है तो उसको किया जाएगा, अदरवाइज अर्ली कंट्रोल ऑफ शुगर को किया जाएगा। खासतौर से उन लोगों को अगर आप जिनको एच बी वन सी 7 से ऊपर 6.5 से ऊपर जो क्लियरली डायबिटिक है उनको निश्चित रूप से ट्रीटमेंट पर स्टार्ट करने की जरूरत है। लोगों के मन में जो इंसुलिन के बारे में भ्रांतियां हैं और एंटी डायबिटिक मेडिसिन के बारे में भ्रांतियां हैं कि वो क्या हमें जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी, बात आती है कि लोग सवाल पूछते हैं चाहे डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन हो, लोग कहते हैं कि क्या हमें जिंदगी भर ये मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। मेडिसिन इतनी सेफ एंड इफेक्टिव है, दशकों और नियरली 70-80 सालों से यूज होती आ रही है, तो उनका क्लियरली बेनिफिट है और सेफ मेडिसिन है। हम ये सवाल तो कभी नहीं पूछते कि क्या हमें हर दिन खाना खाना पड़ेगा या हर दिन हमें 3 मील्स लेने पड़ेंगे। तो ये सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है और उनका बेनिफिट डेफिनेटली ज्यादा है। तो लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आप इन मेडिसिन को लीजिए, आप इनसे इफेक्टिव कंट्रोल रख सकते हैं। और सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके जो किडनी पर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट पर बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट और लिवर बेनिफिट्स होते हैं। तो डायबिटीज को हमें एक आज के समय में एक हेल्थ का, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर को एक ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर मानना पड़ेगा। ऑफकोर्स लिपिड एंड अदर पैरामीटर्स भी आते हैं कि लोगों के एक बेसिक पैरामीटर्स को जो हेल्दी लोग हैं जिनको अब तक डिटेक्ट नहीं हुआ उनको रेगुलरली एक या साल में या 2 साल में डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या एज है चेक किया जाए। और जिनको एक कोई भी पैरामीटर डेवलप हो चुका, कोई भी कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशन है, उनको मोर फ्रीक्वेंटली चेक करने की जरूरत है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। अंत में मैं कहूंगा कि हमारे पास साइंटिफिक एडवांस हुआ है, हमारे क्लिनिशियंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी भी जनता के लेवल पर समय रहते इलाज के लिए आना और इलाज को कंटिन्यू रखना एक अभी बड़ी चुनौती है। अगर इंडिया में हमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन पब्लिक हेल्थ चैलेंज की तरह एड्रेस करना है तो हमें दोनों फ्रंट पर काम करना होगा। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के फ्रंट पर काफी काम हो रहा है और ये मेडिसिन अवेलेबल है, हमें जनता को जागरूकता लानी होगी और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी इनको इंक्रीज करना होगा, जिससे कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो प्राइवेट सेक्टर से इलाज नहीं ले सकते वो गवर्नमेंट में जाके इलाज कराना चाहें तो उन्हें वहां पर इलाज मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर चंदकांत। यस सर, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सिग्नल वीक हैं, लेकिन जी, मैं विदाउट वीडियो ही आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, डॉक्टर अग्रवाल, मे आई रिक्वेस्ट यू, देयर इज अ कीपिंग शॉर्टेज, टाइमिंग शॉर्टेज। नहीं, मैं बिल्कुल, दो एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। डॉक्टर मिश्रा, वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस फॉर डॉक्टर, गोज टू डॉक्टर अनु मिश्रा जी, गोयल साहब। आप बोल लीजिए, फिर बोलिए बोलिए जल्दी, टाइम कम है। ओके ओके सर, देयर इज अ क्वेश्चन, ए क्वेश्चन फ्रॉम अंचल फ्रॉम बॉम्बे एंड डायरेक्टली फ्रॉम दिस डॉक्टर अनु मिश्रा जी, हाउ सिग्निफिकेंट इज द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इन मैनेजिंग डायबिटीज and what are the best practices for addressing psychological challenge in diabetic patients? इनका सवाल बहुत बढ़िया है क्योंकि ये चीज अनफॉर्चुनेटली ना तो पेशेंट ही सामने आते हैं इस चीज पर को लेकर और ना फिजिशियन इसको एड्रेस प्रॉपरली करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो शोधकार हुआ है और इंडिया में भी शोधकार हुआ है उसने ये प्रतीत होता है कि करीब करीब 30-40% लोग दो तरह से प्रभावित होते हैं, या तो उनको मेंटल प्रॉब्लम कोई है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और उसके बाद शुगर हाई हो गई। जैसे कल ही मैं एक पेशेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है और पहले शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी और अब बिल्कुल हाई हो गई, तो वो एक क्लियर फैक्टर था। और दूसरी चीज यह है कि जिन लोगों में बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, 3-3 बार इंसुलिन चल रही है, हार्ट की बीमारी है, साथ में किडनी की बीमारी है, इस तरह के कई चीजें चल रही हैं, एडवांस डायबिटीज है,
वो उसके कारण परेशान रहते हैं। तो एक तो मेंटल हेल्थ के कारण शुगर ऊपर हो गई, और दूसरा शुगर से संबंधित बाकी सब चीजों को लेकर मेंटल हेल्थ, दोनों ही इशू हमको टैकल करने चाहिए। लेकिन कभी कभी जो फिजिशियन है जो कि डायबिटीज को टैकल कर रहा होता है, जो ट्रीट कर रहे होते हैं, वो सक्षम इसमें नहीं होते हैं पूरी तरह से। हालांकि उनके कुछ वर्ड काफी सहायता कर सकते हैं कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, हम इसको शुगर को ठीक कर देंगे तो आप और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें उनके हाथ से बाहर होती हैं और उसमें हमको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो कि बात करके कुछ सेशंस लेकर वो बेहतर कर सकते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन, या फिर कभी कभी दवाओं के लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये इशू एक दबा हुआ इशू है, उभर कर नहीं आता, दोनों तरफ से उभर कर नहीं आता, और इसको टैकल करना, इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट का अगर हम मेंटल हेल्थ ठीक रखेंगे तो उसकी शुगर, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसमें सब में हमको सहायता मिलेगी। वन मोर प्लीज सर, दिस इज फॉर यू। हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग यूज्ड टू प्रेडिक्ट gestational diabetes risks early in pregnancy, and what advancements have been made in artificial intelligence driven personalized treatment plan for pregnant women? This question from Chesta from Gurgaon. So, mere liye yeah, from you sir, for you. Okay, okay. Ji Anup ji, ji ji ji, dekhiye sir, aisa hai artificial intelligence se बहुत हो रहे हैं और डायबिटीज अनटच्ड नहीं है। उसमें दो तरह की चीजें हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे कहना कि यही सच चीज है और यही सब टैकल करेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सहायता किस तरह से ले सकते हो वो दूसरी बात है। तो देखिए, दो तरह की चीजें हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास एक प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिवर्सल प्रोग्राम, उसमें हम कई तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का सेंसर, ब्लड प्रेशर का सेंसर, बॉडी फैट का सेंसर, सब चीजों का इस्तेमाल करके इनपुट देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और रोज रोज आप जो खा रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज जो भी है उसका इनपुट भी उसके अंदर डालते हैं। फिर वो जो एनालाइज करके देता है कि अब ये खाना है और ये एक्टिविटी बढ़ानी है सिंपल चीजों से, उससे सहायता मिलती है शुगर को बेहतर करने की और कई बार उसका रिवर्सल करने की। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हमारा नहीं है, एक 12 हेल्थ टेक्नोलॉजीज है जो कि उन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडीज करी हुई हैं और हमारे कुलीग डॉक्टर शशांक जोशी भी उससे जुड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने ये कहा है वो रिवर्सल प्रोग्राम। जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह का हम यूज अभी तक हमने नहीं किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ट्रिकी चीजें हैं। देखिए, बिल्कुल हम ज्यादा अनटेस्टेड प्रोग्राम का यूज करेंगे और कुछ गड़बड़ होगी वो ठीक नहीं है, और जो हमारा टाइम टेस्टेड है कि हम दवा इंसुलिन का यूज करके शुगर को बेहतर रखें, जो टाइम टेस्टेड हमारी जानकारी है डाइट की, एक्सरसाइज की, जो प्रेगनेंसी में ठीक रहता है, वो सब हम यूज करते आ रहे हैं और उससे हम सफल होते आ रहे हैं। तो हमको इमीडिएट कोई ऐसी जरूरत ही नहीं हमको लगती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें। लेकिन एक चीज और, अब जो ग्लूकोज पंप आए हैं जो कि ग्लूकोज बराबर देते हैं, ब्लड ग्लूकोज को सेंस करते हैं और इंसुलिन देते हैं ब्लड में, वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित है। तो उनको हम प्रेगनेंसी में यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से एग्जैक्ट ग्लूकोज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्ट कंट्रोल वहां पर जरूरी है, जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं उनमें शायद उतना एग्जैक्ट कंट्रोल ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसमें एग्जैक्ट कंट्रोल जरूरी है। तो ये पंप क्या करते हैं, ये पंप देखते हैं कि शुगर अब 70 या 60 हो गई तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया इंसुलिन का यूज, क्योंकि शुगर लो हो रही है। शुगर थोड़ी बढ़ी 120-130 हो गई तो उन्होंने इंसुलिन का यूज शुरू कर दिया। ये अपने आप सेंस करते हैं। तो ये नहीं कि एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट दे आर इंटेलिजेंट पंप। और आजकल बहुत एडवांसमेंट हुए इस पंप में,
कि डुअल पंप्स आए हैं वगैरह वगैरह, मैं उसमें ज्यादा विस्तार पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चीजें टाइप 1 डायबिटीज में, जहां की पहले हम 5-5 बार इंसुलिन लगाते थे और फिर भी शुगर नहीं कंट्रोल होती थी, आज पंप के हिसाब से हम बराबर कंट्रोल कर रहे हैं और इसके एडवांस पंप इंडिया में अवेलेबल है इस समय। तो इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी तक ये यूज है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी बहुत सारे यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें इनपुट दीजिए पेशेंट का डाइट का, और वो डाइट का पूरा बता देंगे कि अब ये डाइट खानी है। इसी तरह से ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कि ये इनपुट दीजिए, अब हमको क्या ट्रीटमेंट करना है, वो भी आर्टिफिशियल। लेकिन ये सब चीजें अभी लागू नहीं हुई हैं, एक शोध कार्य के उसमें शोध कार्य के तहत चल रही है। तो बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। एक क्वेश्चन और है, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन एंड फ्रॉम द चंद्रकांत आइडिया। इफ ए पर्सन वांट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट वेदर द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज हार्मफुल फॉर हार्ट और नॉट, व्हाट आर द सम क्वेश्चन कैन आस्क टू द डॉक्टर। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द श्वेता कानपुर, बिकॉज ही इज टेलिंग दैट वन कैन आस्क टू द डॉक्टर बिकॉज इन रूरल एरिया people refrain to ask this kind of question to the doctors. What is your response, Mr. Lahiria? मुझे जहां तक क्वेश्चन का समझ में आ रहा है कि पेशेंट को क्या पूछना है डॉक्टर से, लेकिन मेरी नजर में जो डॉक्टर का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो उसमें वो उन सारे फैक्टर्स को पहले से ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इस सवाल का संदर्भ ये है कि पेशेंट खुद से ही उस मेडिसिन को स्टार्ट कर दिया, कोई स्टार्ट कर दिया फिर डॉक्टर से पूछेगा, तो पहली चीज अगर ऐसा कुछ है तो मेरा सलाह रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को एक क्वालिफाइड प्रोवाइडर जो डायबिटीज को ट्रीट करता है या एक क्वालिफाइड फिजिशियन से ही बात करके एक डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई भी शंका है तो ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं और अपनी बीमारी या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनका कंप्लीट रिविलेशन कीजिए। तो संक्षेप में, मरीज को जो डायबिटिक है उसको अपने डॉक्टर को सारी हेल्थ कंडीशन, प्रीवियस रिकॉर्ड, जो प्रीवियस ट्रीटमेंट है ले जाके देने होंगे। और मैं मानता हूं कि अगर आप के पास जा रहे हैं तो उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं उनको दिमाग में रखते ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। साथ ही डॉक्टर गोयल हाथ रेज कर रहे हैं, तो अगर उनको कुछ ऐड करना है तो आई बी हैप्पी टू एड। जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि ये एक पब्लिक पर हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी जानकारी कई ऐसी हैं। जब डायबिटीज मैंने जब कैरियर शुरू किया है ये डायबिटीज में, उसमें 84 की बात है, उस समय हाइपरटेंशन डायबिटीज से क्या होता है ये बातें थी, लेकिन आज की तारीख में वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज तो एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। अब ये पब्लिक को नहीं मालूम कि डायबिटीज से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, और नई नई दवाइयां का जो दौर चला है वो इसी चक्कर में चला है। और आज मैं एक जस्ट एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि सार्थोग्रेलेट 5-HT2A एगोनिस्ट एक ड्रग जो मैंने 2002 में काम किया, वो अभी पेपर पब्लिश हुआ है और हम उसका पेटेंट लेने जा रहे हैं, जो साइकोलॉजिकली एज वेल एज कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है उसका। तो कहने का मेरा मतलब है कि यस, पब्लिक को ये अंदाज हो कि डायबिटीज से कार्डियक हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, और वो नई दवाइयां भी जो भी करनी पड़ रही हैं वो इसीलिए ही करनी पड़ रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू डॉक्टर अग्रवाल साहब, प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल साहब, डॉक्टर जी, मेरा फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। अब अभी कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, वही क्वेश्चन चल रहा था बीच में डॉक्टर। या देयर इज अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। डॉक्टर लाहिड़िया, मैं ये जानना चाह रहा था, कई गांव रूरल एरियाज में कई लोग क्वेक्स के पास जाते हैं, उनको लगता है कि ये डॉक्टर हैं या जो भी डिग्री धारी हो, उनके प्रेस्क्राइब पे वो मेडिसिन जब लेती हैं तो उनके दिमाग में शंका होता है कहीं ये डायबिटीज की दवा का कोई असर हार्ट पे तो नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछने का आशय था, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि किसी को भी कोई हेल्थ कंडीशन है तो आपको क्वालिफाइड मेडिकल प्रोवाइडर के पास जाना होगा। लेकिन लोग काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोवाइडर हैं और उस सेंस में अनक्वालिफाइड के ऊपर चले जाते हैं।
तो ऐसे में जरूरी है कि मरीज थोड़ी जागरूकता लाए कि डॉक्टर की डिग्री क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कि आप किस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं। दूसरा तरीका उसका ये है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, तो जिससे डॉक्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसको रिव्यू कर सकेगा कि प्रीवियस कौन से मेडिकेशन मरीज को दिए गए थे और उसके बारे में सही सुझाव दे सकता है। तीसरा एक चीज, चूंकि आपने मुद्दा उठाया है तो मैं बात करना चाहता हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि जो मरीज होते हैं वो कहते हैं वो एक दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, जबकि वास्तव में या तो वो इनसफिशियंट क्वांटिटी ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर को लगेगा कि अच्छा इस मेडिसिन को लेने के बावजूद इसका शुगर या बीपी कंट्रोल में नहीं है, हाँ शुगर की बात हो रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर फिर वो मेडिसिन को बढ़ा देगा। अगर बाद में वो मरीज उस मेडिसिन को लेने लगा जो मैं डॉक्टर ने बढ़ा दी, तो उससे उसका शुगर लो जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि एक व्यक्ति जिसको कोई कंडीशन है सारी बात पूरी ईमानदारी से डॉक्टर को बताए, तो इन सब चीजों का पालन करना है। जहां तक एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोवाइडर की बात आती है, मेरी राय में वो अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है उसको कंसिडर करके ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जरूरी हो गया है आज के समय में कि अगर डॉक्टर्स अपने नॉलेज के इस्तेमाल करते हुए जो मेडिसिन देते हैं उनके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स भी अगर मरीज को एक्सप्लेन करें, तो उससे कंप्लायंस अर्थात उनको लोगों को मरीजों को दवाइयों को जारी रखने की और उनको लेते रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोनों ही बातें जरूरी हैं कि एक अच्छी जो मरीज की कंडीशन है उसके आधार पर दवाई प्रिस्क्राइब की जाए, लेकिन साथ में पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन दी जाए। डॉक्टर गोयल, व्हाट थैंक इज योर यू टेक? डॉक्टर या चंद्रकांत। आई विल लाइक टू ऐड टू इट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर लहरी जो बता रहे हैं। एक तो एक्सप्लेन करना, पर एक चीज कई बार एक मिस हो जाती है, एक चीज कि नॉर्मली जब प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है तो कई बार ये जन औषधि प्रोग्राम, कई बार वो जो मेडिसिन्स हैं इट मे नॉट बी इफेक्टिव। कुछ कारण कारण अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जन औषधि की या चीप दवाइयाँ या वो जेनरिक दवाइयाँ गलत हो, वो नहीं बात है। लेकिन मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, और जो मेरी एडवाइस सही पड़ी कि आप सिर्फ बैच बदल के देख लो, बैच नंबर, दूसरी स्ट्रिप, वही सिर्फ बैच स्ट्रिप बदल के देख लीजिए, और अगर आपको दोबारा कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर बैच में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ये चीज वंस इन अ थाउजेंड्स में होता है लेकिन होती है, और मैंने ऐसे कई ब्लड प्रेशर में भी और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज बोथ आई फाउंड दिस। दिस इज अ फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, नोबडी, नथिंग लाइक दैट, बट थिंग्स कैन हैपन इन एनी डायरेक्शन। दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज ए पब्लिक ऑल्सो ये देखना जरूरी है। दूसरी तो डायबिटीज तो कॉम्प्लिकेटेड है ही कि भाई आपने ज्यादा खाना खा लिया होगा या कोई और प्रॉब्लम हो रही होगी या क्या है, लेकिन फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये बात हो जाती है। ये एक छोटी सी चीज है कि जस्ट आप बैच बदल के देख लो या कंपनी बदल के एक बार देख लीजिए, शायद वो सही हो। हमको जल्दी से जल्दी एकदम नहीं बदलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है थैंक यू जो, डॉक्टर गोयल। यस सर, यस सर, जी, मैं एक तिवारी जी, मेरे ख्याल में यस और सर, कोई क्वेश्चन का तो अब टाइम नहीं बचा, लेकिन नो नो उससे नो, पहले कि मैं सब अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद दूं, वेलकम एक वेलकम सर। क्वेश्चन बहुत ब्रीफ में पूछना चाह रहा हूं। वो जो कुछ मेडिसिन्स आजकल यूज की जा रही है, सेमीग्लुटाइड जैसी मेडिसिन, जो लोगों ने वेट रिडक्शन के लिए शुरू कर दी, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायबिटीज, और ये मैंने सुना वेस्टर्न कल्चर में बहुत ट्रेंड आ चुका है, इसके बारे में अनूप हैं अभी हमारे पास कनेक्टेड? अनूप, डॉक्टर साबू भी नहीं है तो डॉक्टर रमेश गोयल, आपने नहीं, भी मैं हूँ सुना डॉक्टर होगा बंसी कि यूके साबू हूँ, वगैरह में, ना ना साबू हैं सर ये लेकिन जी दवाई जी ऑफिशियली अप्रूव्ड है जो सीमाग्लुटाइड नहीं एंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिक्टापेंटाइड। वो
जो एंटी ओबेसिटी के रूप में है, ओबेसिटी के लिए अप्रूव्ड मेडिकेशन है और पूरी दुनिया के अंदर जी उसके ट्रायल हुए हुए हैं, अप्रूवल है फर्स्ट टाइम, सेफ्टी के साथ, डिटेल डेटा के साथ, और हार्ट के पेशेंटों, क्योंकि ओबेसिटी के लोग भी हार्ट वाले पेशेंट हो सकते हैं, उसमें भी अप्रूव्ड है। इसलिए ये दवाई आजकल जैसे आपने कहा काफी फैशन में चल रही है, लेकिन काफी हद तक अप्रूव्ड है। अनलक के लिए भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे काफी पेशेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम उनको जब लिख के देते हैं या समझाते हैं, आप मानेंगे नहीं, हर वीक हमारे पास एक पेशेंट तो केवल इसके लिए आता है कि साहब ये दवाई लिख के दो, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या इसका डोजिंग है, और डायरेक्ट कंसल्टेशन ओनली फॉर दिस। सो आई विल नॉट से कि नहीं लेनी चाहिए, लकीली ये दोनों मेडिसिन हमारे देश के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगी, यानी मार्च 2025 में हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये दवाई हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। जब ये हिंदुस्तान में अवेलेबल होगी तो इम्पोर्ट की कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, और आई एम श्योर कि इन दवाइयों की कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण जो ओबेसिटी एक बड़ा मेजर चैलेंज है, उसको हम काफी हद तक ठीक कर पाएंगे। दूसरा, ये दवाई लेने के साथ साथ जब पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को समझना है, या वो पेशेंट मेंटली जब प्रिपेयर हो रहा है वजन घटाने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से हम और कई चीजों को, बीमारियों को रोक रहे हैं। सो ये सारे बेनिफिट देखते हुए ये नई मेडिसिन, वी आर वेलकमिंग देम एंड दे आर गोइंग टू बेनिफिट आर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, क्योंकि उनका एवरेज वेट लॉस ही 10 से 15 किलो है, यानी आप समझिए 15% से 20% वेट लॉस मीन हम ऑलमोस्ट हम काफी कुछ डिजीजों को रिवर्सल में लाने की बात कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा और बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है फॉर ओबेस पर्संस एंड विद डायबिटीज। सो मेरे हिसाब से देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू डॉक्टर साबू, आई थिंक दैट ब्रिंग्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल ऑन डायबिटिक्स, एंड आई विल लाइक टू कन्वे माय सिंसियर थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ डबल हेलिकल मिस्टर तिवारी जी टू our Anoop, Dr. Anoop and Dr. Ramesh Goyal, Dr. Sabu and Dr. Chantan Lahiria for their valuable contribution. And if you have any question, please do write to Mr. Tiwari's office and perhaps our expert will get back to you. Thank you, Tiwari ji, for organizing such a wonderful Welcome to all of you. It's a kind privilege to welcome all of you, and carry on for the next webinar. Thank you.